That's the best part, जो मुझे लगता है। तो आई होप कबीर सिंह भी दिखाई होगी आपको। मैं बाद में पहुंचा था, मुझे पता नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारे साथ में है प्रत्यक्ष और वो हमें बताने वाले हैं उस कॉलेज के बारे में जिसका ड्रीम तो आप में से बहुत सारे बच्चे रखते हो, बट उसके अंदर एंटर कैसे किया जाए और वहां पर लाइफ कैसी है और किस तरीके से वहां से निकलने के बाद में आप अपनी कंट्री को प्लस अपनी सोसाइटी को दोनों को एक साथ सर्व कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में बहुत कम बच्चों को पता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे AFMC के बारे में, राइट। तो वेलकम प्रत्यक्ष, कैसे हो आप। मैंने सुना है बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिली है आपको, काफी स्ट्रिक्ट है आपका कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन हॉलीडेज का छुट्टियों का थोड़ा रहता है, कम मिलती है, बट हाँ एनीवेज लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ पर। वंस यू गेट टू AFMC, वहाँ पे एक बार वहाँ पहुँच जाओ, बहुत काफी डिफरेंट है बाकी नॉर्मल कॉलेजेस से, जो अपन बाकी मेडिकल कॉलेजेस है उससे वहाँ का एनवायरमेंट काफी ज्यादा अलग है। तो प्रत्यक्ष, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी चाहिए कि AFMC के अंदर एंटर कैसे किया जाए, मतलब आपकी जर्नी क्या थी, मतलब AFMC के अंदर आपने जो एंटर करने का आपका पूरा प्रोसेस था उसके बारे में बच्चों को अगर बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे। जब आप नीट की ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन AFMC का भी आता है, BHU, AFMC, इनका अलग से एक काउंसलिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है, तो जो आप ऑल इंडिया के लिए रजिस्टर कर रहे हैं वहीं पर आप AFMC का क्लिक करके आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑल ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर, वो एक कट ऑफ आती है जो कि बॉयज़ के लिए अलग एंड गर्ल्स के लिए अलग होती है। उनको एक्चुअली 1170 स्टूडेंट्स बुलाने होते हैं बॉयज़, तो वो उसके लिए कट ऑफ रखते हैं। जैसे जो इस साल 596 गई थी, तो मैं उस कट ऑफ के लिए एलिजिबल था, मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा थे, तो 596 कट ऑफ थी मेरी इस बार, तो फिर मेरे को बुलाया। वहाँ पर क्या होता है, अब सबसे पहले आपको जब आप सुबह जाते हैं तो आप सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जो इंग्लिश का होता है एक, तो वो 40 मार्क्स का होता है, एंड एक लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं उसी टेस्ट में। उसके बाद आपका एक और टेस्ट होता है जो कि होता है पैट, साइकोलॉजिकल एबिलिटी टेस्ट। उसके कुछ मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते, बट उसके अंदर एक मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होता है, ताकि वो आपको साइकोलॉजिकली चेक करते हैं कि आप फिट हैं कि नहीं है। देन उसके बाद वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, एंड वो इंटरव्यू में मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट जो भी उनके डीन है कॉलेज के, जो भी कर्नल ट्रेनिंग वगैरह है, वो सब वहाँ पे रहते हैं, तो वो इंटरव्यू वगैरह होता है। देन इंटरव्यू के बाद एक मेडिकल होता है जो कि मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, वहीं पे ज़्यादातर बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। देन वो मेडिकल वगैरह होता है, अगर मेडिकल में आप फिट पाए जाते हैं फिर वो उसके बाद बोलते हैं कि आप जा सकते हैं अपने, एंड देन वो कुछ दिनों बाद उनकी लिस्ट आती है जो भी उनका मतलब बॉयज़ मेरिट वगैरह होता है, देन उसमें आपका अगर नाम है तो देन यू आर सेलेक्टेड। ओके, तो मतलब वाकई मतलब नीट को क्लियर करने के बाद में भी काफी लंबी जर्नी है अगर AFMC के अंदर एंटर करना होता है। आई एम श्योर मतलब ये जो जर्नी है वो मतलब उतनी ही कीमत भी रखती होगी, मतलब वास्तव में जब आप AFMC के अंदर एंटर करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमने जो इतनी मेहनत करी है वो वाकई फ्रूटफुल हुई है, ठीक है ना। तो आपने जो ये इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताया, मतलब क्योंकि क्या बच्चों के दिमाग में मोस्टली जब बच्चे 12th लेवल पर नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वो इस चीज के लिए क्या तैयार नहीं होते कि कोई बड़े बड़े लोग आके उनका इंटरव्यू लें, तो किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया उस चीज के लिए, बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे इस चीज को। वेल पर्सनली स्पीकिंग, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैं बस गया ऐसे ही, मेरे को पता भी नहीं था होता क्या है इंटरव्यू में, सडन था सब कुछ। तो हमें गया इंटरव्यू रूम में, वहाँ डीन एंड जो भी रिप्यूटेड और सब थे वो वहाँ बैठे हुए थे। स्टार्टिंग में वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन बेस्ट पॉसिबल वे में जैसे भी आप दे सकते हैं, आप बताएं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, फादर क्या करते हैं, वो ये सब आपसे सवाल पूछेंगे। एंड जैसे कि SSB वगैरह के इंटरव्यूज हैं, ये इंटरव्यू इतना लंबा नहीं चलता, ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स चलता है। एंड इस इंटरव्यू में वो आपसे आपके बारे में ज़्यादा पूछेंगे कि आप को करिकुलर्स में क्या करते हैं, अगर आप को करिकुलर्स में अच्छे हैं तो वो आपसे को करिकुलर के बारे में और ज़्यादा सवाल पूछेंगे कि मैंने बोला था कि मैं क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो उन्होंने मुझसे क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो इंटरव्यू कोई ऐसा हेक्टिक इंटरव्यू नहीं होता है, सब बहुत ही सिंपल है, आप कॉन्फिडेंस अगर उसके आंसर देते रहेंगे जो भी वो पूछ रहे हैं तो फिर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। सो बच्चों, जैसा कि प्रत्यक्ष ने बताया, कॉन्फिडेंस इज द की, आप अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो दे आर लुकिंग फॉर दैट, राइट। और साथ ही साथ में ये और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारी हॉबीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो प्रत्यक्ष ने जैसा बताया, अगर आप AFMC के अंदर एंटर करना चाहते हो तो आपको कम से कम उनको तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, राइट। प्रत्यक्ष, मैं ये पूछना चाहूँगा कि
आपने जो बताया मतलब कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ठीक है इस तरीके की, आप पहुंच गए वहां पर AFMC के अंदर, मतलब आपने जब ये इंटरव्यू प्रोसेस से गो थ्रू हुए होंगे आप, तो उस टाइम पे आपको लगा होगा कि पता नहीं कैसी लाइफ होगी AFMC के अंदर, तो अभी तक की जो आपकी लाइफ है AFMC की राइट, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी रही अभी तक की आपकी लाइफ वहां पर। हाँ वेल ज़्यादातर तो वही रहा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लाइक मेरे पापा ने पहले मुझे बताया था कि वहाँ फिजिकल काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वो पहले वो फिजिकली फिट लेते हैं एंड देन फिजिकली फिट में भी उनको और फिटर बनाना है, क्योंकि आपको वो पोस्टिंग्स पे भेजेंगे तो वहाँ के लिए उनको बहुत ज़्यादा फिट लोग चाहिए, तो सबसे पहले तो वो PT वगैरह जो मेन फिजिकल ट्रेनिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टडीज़ वगैरह का भी हाँ मतलब चलता है, लेकिन हाँ मेन फोकस उनका फिजिकल ट्रेनिंग ही रहता है। एंड एक बहुत अच्छी बात होती है वहाँ, हर फ्राइडेज को जो भी मूवी रिलीज होती है वो उसी दिन दिखाई जाती है। अच्छा, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है। तो आई होप कबीर सिंह भी दिखाई होगी आपको। मैं बाद में पहुंचा था, मुझे पता नहीं। खैर तो कबीर सिंह से मुझे याद आया कि जब बच्चे एंटर करते हैं तो मतलब बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे डर होते हैं बच्चे के दिमाग में राइट। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा मतलब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ओवरऑल ओरिएंटेशन होता है AFMC के अंदर, आप जब पहली बार AFMC की बिल्डिंग से AFMC की क्लासेस से फैकल्टीज से इंटरेक्ट होना चालू करते हैं, सीनियर से इंटरेक्ट होना चालू होता है, तो कितना टाइम लग जाता है एक नॉर्मल कैंडिडेट को कम्फर्टेबल होने में वहाँ पर? वेल हाँ थोड़ा आई मीन बट हाँ वहाँ की जो फैकल्टीज वगैरह हैं वो बहुत काफ़ी सपोर्टिव हैं। आई मीन वो पहले सबसे गो थ्रू कर चुके तो उन्हें पता है कि कैसा है बच्चा, नया बच्चा आया उसके कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो आयल से कि मेरे को एक महीना लगा करीब वहाँ एडजस्ट होने में, क्योंकि आई मीन सब काफ़ी डिफरेंट है, मैं फिजिकल ज़्यादा करता नहीं था पहले, तो आई मीन हाँ सही है वहाँ सीनियर्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो आके आपको टिप्स वगैरह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल है तो वहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि क्या करें या फर्स्ट ईयर में पढ़ाई वढ़ाई कैसे रहते हैं, तो उन्होंने हमको सब समझाया है कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई के लिए का अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, अभी आप चल रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चों, AFMC एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको डॉक्टर तो बनाया ही जाएगा, साथ ही साथ में आपको एक ऑफिसर भी बनाया जा रहा है, और सबको पता है कि आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल का होता है। तो आई होप जब प्रत्यक्ष हम आपसे सेकंड टाइम मिलेंगे, ठीक है ना, 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में जब हम मिलेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 12th के बाद में 1 साल ड्रॉप लिया था राइट, और बहुत मुश्किल होता है वापस से उन सारी चीज़ों को पढ़ना राइट, और मैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों के लिए कि बहुत बार ऐसा लगता है कि आपको ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मेरा 1 साल और बर्बाद होने वाला है, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, तो इन सारी फीलिंग्स को साइड में रखा आपने और अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? ओके वेल मैं खुद भी मतलब मैं ड्रॉपर हूँ जैसे सर ने बताया, तो मेरे को भी था मैं नहीं लेना चाहता था ड्रॉप वापस, मेरे को नहीं कंटिन्यू करना था, बट मेरे को मेरे जो कोचिंग पे जाता था वहाँ पे काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, सर ने भी काफ़ी हेल्प किया, मैं सर से भी एक बार लेने आया था थोड़ा हेल्प के, मैंने कहा सर मेरे को क्या करना चाहिए, तो सर ने बोला ड्रॉप लेना चाहिए आपको, मैंने ड्रॉप लिया। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग का 1 मंथ, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं वापस वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, आई मीन मैं बस ये देखता था कि मैं कितना इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, कि मैं लास्ट ईयर कितने नंबर ला रहा था अब मैं कितने नंबर ला रहा हूँ, उस हिसाब से काफ़ी हेल्प मिलती है। प्लस मैं भी टॉपर्स के वीडियो देखा करता था कि वो क्या बोलते हैं इस बारे में, तो काफ़ी मतलब हाँ उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। प्लस आप एक बार स्कोर्स मेरी करते रहेंगे कि मतलब लास्ट ईयर कितना था इस ईयर कितना है, तो वो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। हाँ तो बच्चों जैसा प्रत्यक्ष ने बताया कि लास्ट ईयर प्रत्यक्ष एक व्यूअर था और यहाँ पे किसी और का इंटरव्यू चल रहा था, और आज देखो प्रत्यक्ष हमारे बीच में और आज वो इंटरव्यू दे रहा है और आप लोग देख रहे हो। तो यार अपने ड्रीम्स को है ना आपको कभी भी साइड में नहीं रखना चाहिए, फोकस्ड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, और आप में से हो सकता है अगली साल बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे साथ आके अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे राइट। प्रत्यक्ष मैं मतलब लास्ट जो क्वेश्चन है, और क्योंकि धीरे धीरे क्यों है नीट का एग्जाम जो है वो पास में आता जा रहा है, तो अब इस टाइम पे जो एंग्जाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बच्चों का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखे हैं उनको सिलेबस को समेटने की दिक्कत आ जाती है, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये जो लास्ट मंथ्स है, खासकर नीट के एग्जाम से पहले के 1 या 2 मंथ्स है, उनके अंदर सिलेबस को किस तरीके से कवर अप किया जाए पूरा का पूरा, इसके बारे में बच्चे जानना चाहेंगे आपसे? हाँ वेल मैंने क्या किया था, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं ये एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस था, मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ता था उसके बाद में उसके 2 पेजेस के नोट्स प्रिपेयर कर लिए ताकि मेरे को लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेनली फिजिक्स में काफ़ी हेल्प करता है,
फिर अगर आप फिजिक्स की बात करें तो आपको कोई बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप लास्ट टाइम पे कोई बुक टच करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा खराब होगा। इससे बढ़िया आप प्रेप ऑनलाइन की एक मोस्ट वांटेड सीरीज थी जो मैंने ज्वाइन करी, एंड उसमें जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस था वो बहुत सिमिलर था जो कि नीट में पूछा गया, ना वो आईआईटी जेई के क्वेश्चंस थे ना वो कुछ नीचे लेवल के क्वेश्चंस थे, वो बिल्कुल नीट टाइप क्वेश्चंस थे, परफेक्ट कॉन्सेप्चुअल, परफेक्टली प्रैक्टिस बेस्ड। तो मेरे को उसने काफ़ी हेल्प किया। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी हाँ यही है कि आप बस नोट्स को थोड़ा बहुत कवर अप करें एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर थोड़ा एक बार नज़र मार लें। हाँ तो मतलब जैसा प्रत्यक्ष ने बताया कि ये जो आखिरी टाइम पे आप अपने सिलेबस को कवर करते हो पूरा का पूरा, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रत्यक्ष ने बताई जो आपको अभी इमीडिएटली आज से ही करना स्टार्ट करनी है वो है वन पेज नोट्स। प्रत्यक्ष मैं भी बच्चों को कई बार बता चुका हूँ जैसा मैंने आपको भी बताया था, और आई होप जिस जिसने मेरी इस एडवाइस के ऊपर काम किया है ना उसको सक्सेस मिली है। आप जब तक चैप्टर को एक पेज या दो पेज के अंदर समेटना नहीं सीखोगे तब तक आप उसको ढंग से रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जब तक आप ढंग से रिवाइज नहीं करोगे तब तक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर सेटल नहीं होगी। मतलब आपको लगेगा कि मुझे आता है बट फिर भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा ही होता होगा, राइट? तो प्रत्यक्ष बहुत सारी बातें तो हो गई है बट फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए आपकी जो एक बोलते ना एक फाइनल जो एडवाइस है, मतलब कि बच्चों के लिए आपका जो फाइनल मैसेज है वो क्या है। मतलब बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है AFMC के बारे में, और बहुत सारे बच्चे नीट के लिए भी आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे इस इंटरव्यू के जरिए, तो ऐसे बच्चों को आप इस टाइम पर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वेल मेरी एडवाइस यही होगी कि आप कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल भी मोरल डाउन ना करें अपना। मेजर टेस्ट सीरीज जब लास्ट में होती है तब उस समय काफ़ी स्कोर्स लो जाते हैं, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा गए थे, बट परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं ये बोलूँगा आप करते रहिए जो कर रहे हैं। मेरी एक पर्सनल सजेशन ये होगा कि अगर आप एक महीने में पढ़ रहे हैं 25-26 डेज अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो मैं बोलूँगा लास्ट के 4 दिन आप रेस्ट करिए, उससे आपका जो नेक्स्ट एक मंथ है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। तो बस मोटिवेटेड रहिए एंड यू विल डू गुड। ओके, सो प्रत्यक्ष की जो फाइनल एडवाइस थी बच्चों वो वही है जो मैं भी आपको देता आ रहा हूँ कि अपने आप को डी स्ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो यार, ऑलरेडी आप इतना सब कुछ दांव पे लगा कर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कई बार बीच बीच में मस्ती करना ज़रूरी होता है। और प्रत्यक्ष अब AFMC में पहुंच चुका है तो काफ़ी मस्ती वहां पर कर रहे हैं, और ऐसी कुछ लाइफ आपकी भी होगी। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।